सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज हम ड्रैग रेस कर रहे हैं XUV700 और टाटा सफारी XZ प्लस। ये मैनुअल है, ये दोनों ही टॉप मॉडल है। ये X7 है और ये है XZ प्लस मैनुअल गोल्ड एडिशन। ये प्रोड्यूस करती है सफारी अपनी 170 BHP एंड 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और अपनी 700 प्रोड्यूस करती है 200 BHP एंड 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो गाइज, सफारी ऑल टाइम हम लोग अभी स्पोर्ट्स मोड में रखेंगे एंड XUV700 में अपनी कोई मोड्स नहीं आती, पेट्रोल है इसलिए। सो हम लोग एक एक बार ड्राइवर इंटरचेंज करके रेस करेंगे एंड रेस के एंड में वहाँ पे कृष्णा है जो रिकॉर्ड कर रहा है लास्ट का। अब अयोध्या हमारी रेस स्टार्ट करेंगे। सो अयोध्या क्या लग रहा है, कौन जीतेगा ये रेस? मेरे को तो सफाई लगता है जीतेगा। अच्छा हाँ गाइस, मैं पर्सनली बोल रहा तो मुझे लगता है कि 700 जीतेगी, क्योंकि उसमें पावर फिगर में 30 BHP का फर्क है, तो वो थोड़ा गैप आ जाता है। एंड वहीं पे इसमें 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ज़्यादा है, क्योंकि ये डीजल है और वो पेट्रोल है। सो हो सकता है इनिशियल में सेम रहे, लेकिन आगे लॉन्ग में वो आगे चली जाएगी। हाँ, वो आगे चली जाएगी। सो गाइज, एक्चुअली हमारी दोनों ही गाड़ियाँ नई हैं। बेवबदा की जो टाटा सफारी है वो भी एकदम नई कंडीशन में, एकदम नई कार है। एंड अपनी जो XUV700 दोनों ही वो भी नई कार है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि जो 700 और सफारी का रेस है उसमें हम लोग व्हील स्पिन नहीं मारने की ट्राई करेंगे। एंड फर्स्ट गियर लगने के बाद, हल्का सा आगे जाने के बाद हम लोग रेस देंगे, काइंड ऑफ अ रोलिंग रेस, 10 के स्पीड अराउंड से, 5 या 10 के स्पीड अराउंड से रोलिंग रेस करेंगे, इसलिए हमने वही किया। तो गाइज, अपने फर्स्ट राउंड की विनर है XUV700, आपने देखा ही वीडियो में कि कितने डिफरेंस से जीती है वो। एंड अभी हम लोग ड्राइवर इंटरचेंज करेंगे एंड एक और लास्ट ट्राई करेंगे। सो गाइज, अभी मैं बैठा हूँ XUV700 में एंड अपना ट्रैक्शन कंट्रोल है ऑफ, मैंने कर लिया है ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ एंड हमारी AC भी ऑफ है और हम लोग बिना इंजन रेव किए लॉन्च करेंगे। ओए, स्पोर्ट्स मोड ऑन है और AC ऑफ, ठीक है। सो गाइज, अपनी जो सेकेंड राउंड की भी विनर है वो है अपनी XUV700। सबसे अपना इंटरेस्टिंग ड्रैग रेस रहेगा एंडेवर और इसका, क्योंकि मैं जो फील किया, पेट्रोल ऑटोमेटिक से इसमें हल्का सा लैग आता है दूसरे गियर में। सो अगर उस टाइम पे अगर एंडेवर निकल पाती है तो देखते हैं, लेकिन इसके थर्ड गियर में इतनी ज़्यादा पावर है कि ये किसी भी गाड़ी को पीछे छोड़ सकती है थर्ड गियर में। ऑल्सो ऑल थैंक्स टू बेवबदा फॉर प्रोवाइडिंग अस हिज व्हीकल। So guys, that was all about the video. Thanks for watching. Krishna, prediction kya tha tera? Let's go XUV700.